इट्स ऑल अबाउट बीट. बीट अगर आप अच्छे बनाते हो तो आप गाना ऑटोमेटिकली वो हिट हो जाता है. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. वीडियो का रिक्वेस्ट किया है प्रतिपाल सिंह जाला जी ने. उनका रिक्वेस्ट था कि मैं हनी सिंह के सातन सॉन्ग पे रिएक्ट करूं. इस वीडियो का बहुत और भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, बट उन्होंने स्पेशली बार बार कमेंट करके रिक्वेस्ट किया है कि इसी गाने पे उनको मेरा रिएक्शन चाहिए था, इसलिए मैंने उनका नाम मेंशन किया है वीडियो में. आई होप कि वो ये वीडियो को मिस नहीं करेंगे. उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो. और आप लोग सभी जितने भी मेरे चैनल पे हैं, अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपकी नोटिफिकेशन आ सके मेरी वीडियोस की. और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें. और मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने अभी तक वीडियो देखी नहीं है, आप लोगों के साथ ही देखूंगी. और फर्स्ट टाइम देखने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होता है ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा. तो मज़ा आने वाला है. आई थिंक हनी सिंह के गानों की बहुत डिमांड आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो हनी सिंह के गाने वैसे भी बहुत पॉपुलर होते हैं, तो मज़ा आने वाला है आई थिंक वीडियो में. और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे गाना कैसा लगा मुझे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट. चलिए लेट्स जंप स्ट्रेट इन टू द वीडियो. Towards the end of Back Turn 13, an unprecedented evil emerged. अरे बाप रे. He enslaved the souls of many under a dark, hypnotic trance. क्या स्टोरी बनाया यार गाने के लिए. एक प्लॉट आई थिंक ये है. He possessed the body of one man who would come to be known as. है अमेजिंग म्यूजिक.
गाना खत्म हो गया है और बहुत ही डरावना एक थीम दिया था गाने को। आई थिंक ये गाना इस वीडियो के लिए स्पेशली, वो आई थिंक हनी सिंह जो गाने लिखते थे वो स्पेशली अपने एक अलग जोन में लिखते थे, लेकिन वो गाना डायरेक्टर को कहाँ प्लेस करना है कि कैसे थीम पे वो गाना, वीडियो जो है वो बनाने की जिम्मेदारी किसी और की होती है, तो उस हिसाब से आई थिंक इसमें इसलिए ये वर्डिंग्स इसमें थे कि क्लब में आया फॉर्चुनर दिला दूँ ये सारी, क्योंकि यहाँ जो स्टोरी जो दिखाई जा रही थी हमें
वहाँ कहीं भी क्लब और फॉर्च्यूनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शैतान की कहानी थी। आई थिंक सतन मतलब शैतान, ये मुझे ऐसा लगा कि उसका मीनिंग है। आई डोंट नो, मैं अगर गलत होंगी तो प्लीज आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि सतन का मतलब क्या होता है। अगर पंजाबी में कोई मतलब होता होगा तो भी बताइएगा प्लीज आप लोग। और मुझे जितना समझ आया, मुझे लगा कि एक शैतान की कहानी थी जिसमें कि वो एक जो हनी सिंह जो बने थे वो शैतान बने थे। और फर्स्ट में उन्होंने जो लिखा हुआ पार्ट, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि शैतान जो है वो इमर्ज हुआ था, एंड देन उसने बहुत सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया था और उनके सोल्स को वो तड़पा रहा था। और उसके बाद फिर फाइनली वो जो गर्ल आती है जो व्हाइट कलर में पहने, वो एक गुड आत्मा रहती है और वो सबको सेव करती है और फिर शैतान को ख़त्म करती है, शैतान को। और उसके बाद वही एंडिंग हो जाती है। और मैं एक चीज़ की दाद देना चाहूँगी, द बीट, ओ माय गॉड, जो बीट बज रही थी कान में, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत फ्रेश और बहुत यूनिक बीट बनाई थी हनी सिंह ने, जो कि काबिले तारीफ है। ऐसे ऐसे टैलेंट हमारे देश में हैं जो कि धमाल मचाते हैं। जब भी उनके हाथ में आता है कोई भी गाना तो वो एकदम से उसको हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसी बीट बनाई थी कि मतलब बीट, सही में बोल रहे थे, बीट बिलाने सजना, बीट कोई घोल के पी गए हैं हनी सिंह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मुझे बीट की वजह से ये पूरा गाना अच्छा लगा। क्योंकि बीच में जो बीट बज रहे थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे थे। वर्डिंग्स खास कुछ नहीं बोलूंगी, जैसे वर्डिंग्स हनी सिंह के गाने में रहते हैं वैसे ही थे। लेकिन बीट बहुत ही फ्रेश थी, बहुत ही न्यू लगी मुझे, बहुत यूनिक लगी। बीट, इट्स ऑल अबाउट बीट। बीट अगर आप अच्छे बनाते हो तो आप गाना ऑटोमेटिकली वो हिट हो जाता है, लोगों को पसंद आ जाता है। तो गाना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं और मुझे कुछ नहीं बोलना है। गाना बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, मैं डबल थम्स अप देना चाहूँगी इस गाने को। और थैंक यू कहना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे ये गाना रिक्वेस्ट किया था उनको। तो इसी तरह आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल के साथ, और इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपकी फेवरेट वीडियो पे मैं रिएक्शन बनाती हूँ, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जितना हो सके उतना उस वीडियो पे प्यार लेके आओ। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए और इसी तरह मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। ऑडियो जंगल।